मुझे अच्छा लगता नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण में, उन्होंने अच्छा भाषण उस दिन दिया और उस भाषण में उन बातों का उल्लेख थोड़ा कर देते, खासतौर पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे। क्या यह सच नहीं कि तमाम प्रकार के घोटालों में इन युवाओं के साथ भेदभाव भी हुआ था और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ भी हुआ था? क्या लोक सेवा आयोग की भर्ती हो रही हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, माध्यमिक सेवा चयन आयोग की भर्ती रही हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग की भर्ती रही हो, पुलिस भर्ती रही हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसमें धांधली और व्यापक शिकायत ना आई हो। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती घोटाला की चर्चा कर लेते, सहकारिता भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, जल निगम भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, गोमती रिवर फ्रंट की भी चर्चा हो जाती, कैसे 147 करोड़ के पीपीआर को बढ़ा करके 1400 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा खर्च होने के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। खनन घोटाले की भी चर्चा कर लेते, उस समय के एक मंत्री आज भी बेचारे जेल में है। यानी ये स्थितियां थी। खाद्यान्न घोटाला है, घोटालों की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, ये सभी क्या थी। लेकिन मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा कर देता है। और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है, करने वाले तो इस पक्ष के लोग हैं, इसलिए समर्थन इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। मेडिग्लो हेल्थ केयर, जहां एंटी एजिंग, रिंकल, ब्लैक हेड्स, कील मुहासे, पिगमेंटेशन, पील्स जैसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। यही नहीं, अल्ट्रा एडवांस लेजर मशीन द्वारा त्वचा, बाल और लेजर सौंदर्य उपचार, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस अवेलेबल। मेडिग्लो हेल्थ केयर, महानगर, लखनऊ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।